एक मिनट वेट वेट 2 सेकंड आप इधर का भी कर लो भाई चलिए ओपनिंग का ले लेते waited so much for so long I'm sorry I didn't know that saare 10 baje se aap log sir ek sawal aapse ye hai ki aaj ki jo meeting aapne ki hai iska maqsad kya hai are ek minute देखिए आज के मीटिंग का सबसे अहम मकसद था जैसा आपने कहा कि एयर फेयर को डिसाइड करना उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा यहाँ से 1,25,000 हाजी पिछले साल गए थे, इस बार और इजाफा हो गया, 25,000 हाजी बढ़ गए हैं। तो सबसे क्रिटिकल चीज़ तो है ट्रांसपोर्ट का कि यहाँ से कैसे एयरलिफ्ट करके हाजियों को सऊदी अरेबिया ले जाए। उसमें एयर इंडिया और सऊदिया दो कंपनी मेजरली इसमें पार्टिसिपेट करती है। उसमें L1 और L2 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और उसी को लेकर के आज की मीटिंग थी। बहुत कुछ अभी आपको हम बहुत निटी ग्रिटी उसका डिटेल्स बताने में अभी मजबूर हैं क्योंकि अभी भी मीटिंग चल रही है और उसको अभी डिस्क्लोज करना हम समझते हैं कि प्रीमेच्योर होगा। लेकिन मेन मकसद आज की मीटिंग को बुलाने का यही था कि एयर फेयर वाला मामला को हम लोग रेजोल्यूशन कर करके मिनिस्ट्री मोका में भेजें ताकि वहाँ पर ये रिजॉल्व हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मोका सब मिल करके इसको रिजॉल्व करें। मसला क्या है? मसला L1 में एयर इंडिया ने जो रेट कोट किया था, नॉर्मली ये होता है, कानून ये कहता है कि L1 जो कोट किया वो सारे कंपनीज को वही रेट मिलेगा। सर वो रेट बता सकते? लेकिन सर नहीं, वो अभी वो रेट हम अभी बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी मीटिंग चल रही, अभी फाइनल नहीं हुआ। अंदाजन डिफरेंस कितना? और L2 काफ़ी डिफरेंस है और L2 सऊदी अरेबिया ने यह था, L1 और L2 में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब एक बात ये भी आई थी कि सऊदी ने ये भी कहा था कि आप सारे हाजियों को एयर इंडिया के ज़रिए एयरलिफ्ट करवा दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एयर इंडिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है, लीज़ पर ले नहीं सकते, तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 1,25,000 या 1,40,000 हाजियों को ले जाए। तो और सऊदिया जो है वो L1 के रेट पर या उससे थोड़ा सा बढ़ा करके भी अगर हम लोग देना चाह रहे हैं तो वो एग्रीएबल नहीं है। तो उसी में निगोशिएशन हो रहा है, बातचीत चल रही है, पूरे हज कमेटी ऑफ इंडिया बैठी है, सैंक्शन इसका ज़रूरी है, इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें हम लोग डिस्कस करके एक रिजॉल्व कर करके रेजोल्यूशन भेजेंगे जो कि फिर देखना पड़ेगा कि सऊदिया को मंजूर है कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन, सारे लोग करीब ऑलमोस्ट 2 महीने से 50 दिन से निगोशिएशंस में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे एम्बेसडर ने भी सऊदी में जो है वो वहाँ पर उन्होंने भी बात की और यहाँ पर जो हिज हाइनेस प्रिंस आए थे उसमें भी बात थी कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा, लेकिन शायद ये मुद्दा छोटा नज़र आया, वो इस पर बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको कहीं ना कहीं इसका नतीजा निकलना भी ज़रूरी है और जल्द से जल्द निकलेगा तभी। जब तक हम लोग फ्लाइट के शेड्यूल नहीं देंगे तब तक मदीना में अकोमोडेशन में प्रॉब्लम होती है। सर ये नतीजा कब तक निकलेगा? आज हम लोग रिजॉल्व करके भेजेंगे और इंशाल्लाह कुछ एक रेजोल्यूशन जो हम लोग करेंगे, कुछ बात सऊदी की भी मानना है, एक मिडिल पाथ पर हम लोग आएंगे और उस पर एक नतीजा निकलेगा। कोशिश लगातार हो रही है वाटरवेज के थ्रू भी हाजियों को भेजने की, लेकिन अब तक वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक मच आइस, क्योंकि जब तक उस लेवल की जहाज़ कंफर्ट वाइज और इकोनॉमी वाइज नहीं मिलती है तब तक जो मकसद है हाजियों को सस्ते में अच्छे से ले आना वो फौत हो जाएगा। वो नहीं, हम तो आपके लिए आ गए कि आपको जल्दी से बाइट दे दें, अभी मीटिंग हम लोग चल रही है। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो शाह सलमान साहब यहाँ पे आए और सीटें बढ़ी इंडिया की, तो क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ले रही है,
तो उसमें क्या गवर्नमेंट का ही क्रेडिट है कि आप भी उसमें जो है वो क्रेडिट की बात करें? आपको क्रेडिट जाना चाहिए लगता है आपको ऐसा? देखिए, क्रेडिट इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के सारे मेंबर लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, आज से नहीं 5 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का कोटा बढ़ना चाहिए। बिलाशक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भी इसका श्रेय जाना चाहिए, उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोहम्मद बिन सलमान साहब से बात किया, उनको सबसे ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए। तो ये एक मिला जुला एक फीडबैक हम लोग देते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स उसको आगे बढ़ाती है और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी ने प्रिंस से बात करके इसको बढ़वाया। तो सबको श्रेय जाता है, सबको क्रेडिट है, सबको मुबारकबाद। वक्त पे हुई इलेक्शन के, जबकि आप लोग की डिमांड जो है बहुत शुरू से थी, रोज अव्वल से आपने डिमांड, अब आए वक्त पे सियासी नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें इत्तेफाक था कि प्रिंस सलमान जैसे शख्सियत इसी मौके पर आए। अगर हो सकता है कि 6 महीना 8 महीना पहले आते हैं, साल भर पहले आते, तो हो सकता है उसी टाइम में ये मुमकिन हो जाता। सर, कोटा जो बढ़ा है, ये कोटा तो पहले था, उसको जो आप एक्सपेंशन हो तो उसको कोटा कम कर दिया गया था, तो ये कोटा फिर से बढ़ता हुआ है ना? नहीं, ये 2 लाख का कोटा कभी नहीं था, 1,75,000 का कोटा था पहले जो बरकरार हुआ, लेकिन ये 25,000 का जो इजाफा हुआ ये रियल टर्म्स में इजाफा हुआ। सर, आपकी कमेटी खत्म कब हो रही है? हम लोग की कमेटी मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक जून में खत्म हो रही है। आखिरी मीटिंग है आपकी? नहीं, आखिरी क्यों, आज का मसला अगर ये सॉल्व हो गया तो भी और प्रॉब्लम्स होते हैं, और मसाइल होते हैं। हज एक इतना ट्रिकी और इतना लॉजिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व है कि आए दिन कुछ ना कुछ मसला होता है। तो खत्म होगी वो हज से पहले खत्म हो जाएगी क्या आप चाहते हैं? देखिए, हज होने के बाद आपकी कमेटी खत्म हो ताकि पूरा प्रोसेस स्मूथली जाए। जाहिर सी बात है कि हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने एक रिजॉल्व करके एक रेजोल्यूशन भी दिया कि ये हज है, ये कमेटी जो है इसको देख ले, क्योंकि बीच में इलेक्शन अगर मान लिए कि रिजल्ट भी अगर 15-20 मई तक आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर नई कमेटी बन जाए, और जुलाई में हज होना है तो एक कंटिन्यूटी रहता है, तो ये हजियों के लिए बेहतर होगा कि इस कमेटी को जून जुलाई तक आप बढ़ा सकते हैं उसकी मियाद कमेटी। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि उसको अगर हजियों के हक में होगा, अगर उनको ऐसा लगेगा कि हजियों के हक में, तो बढ़ा सकती है। बिल्कुल, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाला दोबारा इंशाल्लाह, हमारी कोशिश तो है, तो पार्टी तो हमारी अभी जो है अभी वहीं पर है। मतलब एनडीए के सपोर्ट से लड़ेंगे आप, के मतलब यूपी के सपोर्ट से लड़ेंगे, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपके आगे का लाया अमल। देखिए, आप तो अभी हज की बात कर रहे हैं, हज के बाद इसमें पॉलिटिक्स, आप बोल रहे हैं कि हज में पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स आप खुद इसमें मला रहे हैं। आप तो ओपिनियन जानना चाहते हैं सर? मेरा ओपिनियन अभी बिल्कुल, हमने बताया कि जहाँ पर है वहाँ पर है। सऊदी एयरलाइंस के एयरफेयर में कितना फर्क है? हमने कहा कि काफी फर्क है, बहुत डिफरेंस है, तभी तो अगर $10-20 का होता तब तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते, लेकिन फर्क ज्यादा है। और एक एक दो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एम्बार्केशन पॉइंट है ना, वहाँ पर ज्यादा डिफरेंस है। सर, एक आखिरी बात ये थी कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल हज महंगा होगा या सस्ता रहेगा? देखिए, हम लोगों ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी लगातार, और हम लोगों ने वहाँ पर जाके, हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, इनके अंडर में जो BSC गई थी उसमें इन लोगों ने जो मदीना में 8-10 हाउसिंग कमिटीज़ आती थी, इस बार इन लोगों ने 24 कमिटीज़ को बुलाया और उसे 100 रियाल हमारे मरकजिया में और गैर मरकजिया में कम हुआ। तो हम लोग की जहाँ तक कोशिश है कि 50 रियाल 60 रियाल के करीब हम लोग अजीज़िया में भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग का एफर्ट है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कम से कम हो, लेकिन अब जैसा सुनने में आया, अभी तक रिटर्न में आए नहीं, कि मोलिम की फ़ीस सऊदी अरेबिया ने 500 रियाल एक बार बढ़ा दिया, तो उस पर हम लोग कोई इख्तियार नहीं है। तो इन रियल टर्म्स हज ज़ाहिर सी बात है कि कुछ महंगा हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हम लोग के एफर्ट से इसमें कमी भी आई है, एकोमोडेशन में कमी आई है, एयरफेयर में एयर इंडिया ने बड़ा अच्छा रेट जैसा हमने बताया कि दिया है, अगर उसमें हो जाता तो एयरफेयर में भी कमी आती, लेकिन सऊदीया को वो मंजूर नहीं है, तो हम लोग अब निगोशिएट कर रहे हैं। आपसे सवाल आपसे ये है, उसके बाद लोग पूछेंगे, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जब से मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ में मिनिस्ट्री हज कमेटी आई है तो इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। इससे पहले जो है वो हज कमेटी का सियासी फ़ायदा, हज का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कम की गई थी, लेकिन इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा तौर पर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है।
तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, मुत्तफिक नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ हाजियों के लिए आप अच्छा कीजिए तो बोलिएगा भाई देखिए अच्छा किया, हाजियों को फ़ायदा पहुँचा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल रीज़न होगा। तो ये तो आपकी सोच है। हाजियों की भलाई हो, उनको अच्छा हज हो, उनको सस्ता हज हो, बेस्ट पॉसिबल जो हम लोग कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का भी, मिनिस्ट्री का भी एफर्ट है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के भी है और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, यूपी की गवर्नमेंट है, उसका भी, हम नहीं बोलते कि उनका एफर्ट नहीं था कि हज अच्छा हो। सबका एफर्ट रहता है कि हज अच्छा हो, हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। अभी एयर फेयर ही फाइनल नहीं हुआ है, अभी सऊदी अरेबिया से रेट्स फाइनल नहीं हो तो कैसे बता दें, लेकिन हज थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा ज़रूर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कीमतें बढ़ी हैं, मुअल्लिम की कीमत बढ़ी है, रिहाइश में तो हम लोगों ने बहुत एफर्ट कर करके कुछ घटाया भी है, लेकिन ऑल इन ऑल हम समझते हैं कि हज थोड़ा पिछले बार से, अभी उसका अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है।